रहीम अल्लाह ताला की रहमत फजल और करम के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन के नाम से जगह है, उस जगह पर मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे व्यू देखें, कमाल का व्यू, और साथ में मेरे दोस्त आमिर भाई। और इस वक्त हमें इन्वाइट किया गया है एक जगह पर, तो आज हमने उनके पास जाना है। इन्विटेशन है हमें, तो उन्होंने स्पेशली इन्वाइट किया है, तो आज हमने उनके पास जाना है। उधर से क्या भाई, अमर अटेंड करना था? हाँ, उधर जो भी है वो हमने अटेंड करना है, तो अभी चलते हैं। इनविटेशन है तो अभी चलते हैं, और आपको कुछ थोड़े से सिनेमैटिक से व्यू दिखाते हैं, उतनी देर में वो भी आ जाते हैं, तो पिक करके ले जाएंगे। तो आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, क्या कमाल का सीन है इस वक्त। बिल्कुल सामने आपको बादलों वाला सीन नज़र आ रहा होगा, ये देखें बिल्कुल सामने। ओए होए 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 होए, और मेरे हाथ पे फोकस कैमरे का, ओए होए होए कमाल हो गया। और अभी बैक साइड पे भी आपको कुछ व्यू दिखाना है। ये क्या खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त, क्या खूबसूरत इधर व्यू है इस वक्त। ओए होए होए कमाल हो रहा है इस वक्त, और सनसेट भी हो रहा है। ओए होए 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 कमाल 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 आज हो रहा है। और ये मेरे दोस्त मेरे भाई आमिर भाई ने, आपको गुलबर्ग नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ गुलबर्ग ग्रीन, और आगे ये रीफा वाले हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो हम इधर इन्वाइटेड हैं, आज हम इधर जाएंगे। और अभी चलते हैं और देखते हैं वो कितना हमें सामने, ये अटक पेट्रोल पंप, और ये क्या खूबसूरत सीन है। आपको गुलबर्ग नज़र आ रहा है, और अभी हमें कोई पिक करने के लिए स्पेशली आया है इधर से, तो अभी हम उसके, वो हमें पिक करता है, तो उसके साथ हम चलते हैं उधर जिधर उसने इनवाइट किया हुआ है, और उधर जो कुछ आज सीन होगा वो भी देखते हैं। पहुंचे हैं उन्होंने जिधर इनवाइट किया था उस जगह पर हम पहुंचे हैं, और बालों की हालत देख ले आपके सामने है, हालत बालों की गैर है अभी। किसी इधर तो स्टूडेंट से मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें वो दे दें कंघी वगैरह, तो हम कंघी कर लें फिर उधर जाके। हाँ अच्छी लग रही है टोपी भी, तो टोपी पहन लेंगे। तो आमिर भाई ने मुझे बताया कुछ आए कहीं, चले हैर को नहीं, ठीक है।
सामने नजर आ रहा है इस वक्त इस्लामाबाद की रोशनियाँ रात के वक्त, क्या खूबसूरत नजारा है, मजा आ गया है। अभी हम उनके घर पहुंच गए हैं और आमिर भाई और ये मेरा बिस्तरा और बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम उन्होंने किया है, जैसे कि एक मेहमान के लिए होता है। आ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। तो आज रात को जिस जगह पर हम स्टे किया था, मैंने कहा कि सुबह सुबह आपको वो जगह भी दिखाती है। बहुत खूबसूरत जगह यार, नेचुरल वाइब्स, एक गांव टाइप है जगह। हम जिधर आए हुए हैं और कैप्चर्स कर रहे हैं इधर के सिनेमेटिक्स व्यूज़ को, तो अभी आपको वो जगह दिखाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है और एक रिहाइश टाइप ही है, तो बड़ी खूबसूरत जगह है, तो अभी आपको वो जगह भी दिखाती है। सुबह का मंजर भी क्या खूबसूरत है। वो सामने आपको जौन सा रूम नज़र आ रहा था, उसी रूम में हमने अपनी रिहाइश की हुई थी और ये सारी वो जगह, सारी की सारी ये, ओए ओए ओए, क्या खूबसूरत जगह थी। आपने वो जगह देखी होगी और अभी नहा के बाहर निकले हैं, एक बड़ा खूबसूरत मंजर इसकी कशी करने लगे हैं। बाहर जाकर पहाड़ों से घिरी हुई है खूबसूरत वादी, मैं इसको वादी ही कहूँगा, और अभी आपको ये वादी भी दिखाते हैं सारी। और ये देखें ये वादी, अभी आपको ये वादी भी दिखाते हैं। निकलते ही खूबसूरत सा नज़ारा, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। और अब अगर बैक साइड पे दिखाओ तो ये, और फ्रंट साइड तो बड़ी खूबसूरत है। कोशिश करते हैं उन पहाड़ों के जाने में जाएं तो उधर भी आपको व्यू दिखाएं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो महफूज शहीद लॉन्स नाइक, जो कि इंडिया में 1965 की जंग में गए थे।